हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ कहलाती हैं जिनके एक से अधिक फैक्टर हों। अगर किसी संख्या के एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब हुआ कि यदि किसी संख्या के केवल दो ही फैक्टर हैं, अगर किसी संख्या के केवल दो ही फैक्टर हैं तो वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 32 राइटिंग कर दिया, मैंने 32 राइटिंग कर दिया। अब 32 का हम जब फैक्टर निकालते हैं तो मैंने देखा कि 32 जो है ये 1 से, और ये 1 और 2 जो है, और 4 और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 32 से डिवाइड होगा। यानी इसके जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर कितने हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर। अब इस संख्या की, जो संख्या हमारा 32 है, 32 संख्या के फैक्टर जो है एक से ज़्यादा है, तो ये संख्या हमारी कहलाएगी भाज्य संख्या। अब ये संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए कि 32 नंबर्स के स्थान पे मैंने ले लिया, मैंने 29 ले लिया, मैंने यहाँ पे कितना राइटिंग कर दिया, 29 राइटिंग कर दिया। अब इस 29 के जो हम फैक्टर निकालते हैं तो मैंने देखा कि 29 का जो फैक्टर है या तो 1 से ये डिवाइड होगा या फिर 29 से डिवाइड होगा। यानी इसके कितने फैक्टर हैं, केवल दो ही फैक्टर हैं, 29 के केवल दो ही फैक्टर हैं। अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो 29 है ये हमारा कौन सा संख्या है, ये हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। इस तरह से हम भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ की पहचान करते हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं ये या तो स्वयं से डिवाइड हो जाएंगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, लेकिन जो भाज्य संख्या होगा ये 2 से ज़्यादा, यानी इसके जो फैक्टर होंगे ये 2 से ज़्यादा होंगे। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।